एटीवी गुलबर्गा ने गुलबर्गा शहर के सुलगते हुए मसाइल पर मशहूर सोशल मीडिया ग्रुप वी स्टैंड फॉर चेंज के मेम्बरान आरिफुद्दीन यासिर अरफात और सैयद अलमदार अहमद जैदी से गुफ्तगू की। सफाई के नाखिस इंतजाम, मच्छरों की बहुतात, सड़क हादसों और आवारा कुत्तों की कसरत, ये ऐसे मसाइल हैं जिनसे शहरियान गुलबर्गा बेहद परेशान है, लेकिन इन मसाइल पर कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। शहर में बड़े बड़े स्टेज सजाए जा रहे हैं, लेकिन अवाम सख्त मायूस है कि स्टेजों से उनके मसाइल पर बोलने वाला कोई नहीं है। इन हालात में सोशल मीडिया ग्रुप्स आगे बढ़कर अवामी शहरी मसाइल को उजागर कर रहे हैं। एटीवी गुलबर्गा ने ऐसे ही एक सोशल मीडिया ग्रुप वी स्टैंड फॉर चेंज से गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू के खास नुकात पेश हैं। एटीवी से गुफ्तगू करते हुए वी स्टैंड फॉर चेंज के मेंबर आरिफुद्दीन ने गुलबर्गा शहर में फैल रहे डेंगू बुखार के बारे में कहा कि डेंगू के मरीजों का सरकारी जिला जनरल अस्पताल गुलबर्गा में इलाज करवाने पर जोर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकारी जिला जनरल अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए अलहदा वार्ड कायम किया गया है। आरिफुद्दीन ने कहा कि डेंगू के इलाज के लिए एक अहम मशीन की जरूरत होती है जो सरकारी जिला जनरल अस्पताल में नहीं है। तो मशीन का गुलबर्गा में यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है। सिंगल डोनर प्लेटेड मशीन जो है वो गुलबर्गा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। मैं शरण प्रकाश पाटिल साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इस मशीन का इंतजाम करें, ताकि जो डेंगू के पेशेंट्स की जो इसका जो मसला आ रहा है, जो कॉस्ट उसका 13,000 रुपीज एक पर पैकेट ब्लड का कॉस्ट आ रहा है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक गुलबर्गा में एक ही जगह अवेलेबल है, इस मशीन का जल्द से जल्द इसका इंतजाम करें।